भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेला गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें टीम इंडिया को फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का हाथों हार का सामना करना पड़ा था। जबकि अब जून 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और इस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मौका नहीं मिलेगा। वही इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता आईदारकर टीम इंडिया की एक नई ओपनिंग जोड़ी भेज सकते हैं। तो कौन है सलामी बल्लेबाज, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया के स्क्वाड में कई सलामी बल्लेबाजों को मौका मिल सकता है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कई सलामी बल्लेबाजों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, SSV जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम सामने आया है। लेकिन टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता आईदारकर रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर कर सकते हैं और युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जता सकते हैं। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के स्क्वाड में युवा सलामी बल्लेबाज SSV जायसवाल और शुभमन गिल को मौका मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का IPL और टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। जबकि गिल और SSV जायसवाल काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं। बात करें अगर शुभमन गिल की IPL और T20 करियर की, तो उन्होंने अब तक 11 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 146 की स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाए हैं। जबकि IPL में गिल ने अब तक 91 मुकाबले खेल चुके हैं और 134 की स्ट्राइक रेट से 2790 रन बनाए हैं। वही SSV जायसवाल ने अब तक टीम इंडिया के लिए 11 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 177 की स्ट्राइक रेट से 322 रन बनाए हैं। जबकि 37 IPL मैचों में SSV जायसवाल ने 148 की स्ट्राइक रेट से 1172 रन बनाए हैं। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया का सलामी बल्लेबाजी किसे मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी चैनल का अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने आपको सुरक्षित रखें।